मैं हूँ जयदी, आप देख रहे हो मॉम्स डायरी, ये चैनल फॉर न्यू एज मॉम्स। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो उन फीमेल के लिए या उन औरतों के लिए डेडिकेटेड है जो कि अभी अभी माँ बनी है, स्तनपान बच्चों को करा रही हैं या माँ बनने वाली हैं और स्तनपान कराने वाली हैं। एक बेसिकली स्तनपान से रिलेटेड यानी ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड वीडियो है। दोस्तों हम सब जानते हैं ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक अमृत है देखा जाए तो उनके लाइफ के लिए ये, और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उनके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी होता है, ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़रूरी होता है, उतना ही ज़रूरी ये माओं के लिए भी होता है। तो आज का ये वीडियो ज़रूर देखिए, और अगर आपकी फैमिली में कोई भी माँ बनने की इस पढ़ाव पर है, इस खूबसूरत दौर मतलब सफर में है, तो प्लीज उनके साथ भी ये शेयर कीजिए ताकि वो भी ये सारे इन्फॉर्मेशन ले पाए। तो आज के इन वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम जो माँ जो स्तनपान कराने वाली माँ है उनका सही खान पान के बारे में हम बात करेंगे, दूसरा उनके सही एक्सरसाइज एक्टिविटीज के बारे में हम बात करेंगे, एंड तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान यानी स्तनपान के दौरान किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जिससे वो और उनके बच्चे दोनों को पूरी तरह से लाभ मिल पाए और किसी तरह की तकलीफ ना हो फ्यूचर में। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। के लिए हम सब जानते हैं जब औरत माँ बनती है, माँ बनते ही उसके पास काफ़ी सारे एडवाइसेज आने शुरू हो जाते हैं, स्पेशली अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो आप ये खाओ ये पियो उसके बहुत बच्चे के लिए अच्छा होगा, आपकी सेहत के लिए अच्छा, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपको बॉडी को रिकवर कभी तो करना है, राइट? ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ आपके बॉडी को खुद भी रिकवर करना है। तो ब्रेस्ट फीडिंग का सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है ना कि जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हो तब आपकी बॉडी एक्चुअल में अंदर से रिकवर होती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपका जो वेट जो एक्स्ट्रा पाउंड्स आपने गेन किए होते हैं ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो भी शेड होता है, यानी वो भी आपका जो होता है वजन कम होता है। तो इसलिए ये देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ एडवांटेजेस हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर खान पान की बात की जाए तो सबसे हेल्दी खाना जिसको हम कहते हैं साग सब्जी, ताज़ी सब्जियाँ, ताज़े फल, अंडा, दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सब खाना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको मैं शॉर्टलिस्ट करती हूँ ताकि आप लोग वो तो डेफिनेटली खाओ। सबसे पहले जीरा का पानी, जीरा का पानी पीने से आपका जो ब्रेस्ट सप्लाई है, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई यानी दूध का सप्लाई वो भी बढ़ेगा, तो बच्चे को ज़्यादा करके अच्छी मात्रा में दूध मिल पाएगा, ठीक है? जीरा का पानी हो गया। उसके बाद दाल, दाल आपको रोज़ पीना है, दाल आपके पूरे रिकवरी के लिए भी बहुत ज़रूरी है और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है, इससे भी आपका जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसकी सप्लाई बढ़ती है। तीसरा अगर मैं बात करूँ तो दूध और दूध से रिलेटेड जो डेयरी प्रोडक्ट्स जिनको हम बोलते हैं पनीर, दही, चीज़, ये सब आपको खाना शुरू करना चाहिए, बटर, ये सब आपको खाना शुरू करना चाहिए। एंड चौथा जो एक तरह से देखा जाए तो बेसिक एलिमेंट है वो है पानी, वो आपको पीते ही रहना है, आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है, आपकी बॉडी को अभी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है क्योंकि ओवरऑल आपका पूरा का पूरा जो बॉडी होता है ना वो 70% हम तो जानते ही हैं पानी है, तो आपकी बॉडी को पानी के भी बहुत ज़रूरी है। तो ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है, क्या क्या बोला था हमने, जीरा का पानी, दूध दूध से रिलेटेड सारी जो चीज़ें होती है डेयरी प्रोडक्ट्स, तीसरा दाल और चौथा पानी, ये चार चीज़ें तो आपको लेनी ही लेनी है। इसके अलावा अंडा, हरी सब्जियाँ, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, ये सब भी आपको लेते रहना है। तो ये हो गया खान पान की बारी। अब किस तरह से आपको खाना है यानी सही देखभाल अगर हम बोले तो सही देखभाल में देखो आपको क्या करना है, आपको लिमिट में खाना है और थोड़ा थोड़ा तोड़ के खाना है, ठीक है? जैसे प्रॉपर इंटरवल्स में खाओ, हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहो, क्योंकि ना जब जब आप दूध पिलाओगे ना आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, ये बात आपको हमेशा याद रखना है, इसलिए वजन बढ़ने का भी बहुत खतरा रहता है कि आप एक्सेस में खा लेते हो। नंबर टू अगर अपने ख्याल रखने की बात की जाए तो नंबर टू होगा कि आपको जंक फूड, सोडा, कॉफ़ी, इन सबसे जितना हो सकता है दूर रहना है। नंबर थ्री नींद, दोस्तों इस टाइम पे आपकी नींद बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी तक आपको अच्छी नींद नहीं मिली है और आगे वाले टाइम पे भी आपको अच्छी नींद नहीं मिलने वाली है, बी रेडी। इसलिए जब जब बच्चा सो रहा है, आई नो ये बहुत बहुत मतलब इम्पॉसिबल चीज़ होती है, मतलब एटलीस्ट बहुत डिफिकल्ट होता है इसको करना, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। जब जब बच्चा सो रहा है तब तक आपको सोना है, घर के काम वाम थोड़े टाइम के लिए ना भूल जाओ, एटलीस्ट जब तक बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाता ना प्रॉपर सोना शुरू करो, क्योंकि बच्चा जो है इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा सोने वाला है। 1 साल के बाद जैसे उसकी नींद कम होगी और उसकी एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, ट्रस्ट मी आप नहीं सो पाओगे। हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ की अगर बात की जाए तो येस, आपको फिज़िकली एक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बहुत ही वॉक, एटलीस्ट दिन में 20 मिनट 15 मिनट भी आपने वॉक किया वो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, आपको करते रहना है।
मोस्टली क्या होता है, देखा जाता है प्रेगनेंसी के बाद यानी डिलीवरी के बाद औरतें ज्यादा करके एक जगह स्टेशनरी हो जाती हैं, बस दूध पिला रही है, बच्चे का ध्यान रखनी है, उतने में ही उसी कमरा या बोले तो एक दो कमरे में उनकी पूरी जो लाइफ होती है ना वो घूमने लगती है। आपको ये नहीं करना है, आपको बाहर निकलना है, क्योंकि इस दौरान अगर आपने अपना फिजिकल एक्टिविटी लेवल बढ़ाया नहीं तो आगे जाके आपको पीठ दर्द, कमर दर्द, घुटने में दर्द, ये सब शुरू हो जाएगा और उसको अवॉइड नहीं कर पाओगे। इसलिए प्लीज अभी से अपना फिजिकल एक्टिविटी लेवल जो है वो बढ़ा दो। अब अगर हम बात करें कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान माओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहली बात, जब भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराओ तो बच्चे का सर थोड़ी ऊंचाई पे होना चाहिए ताकि जब वो दूध पिए तो हवा ज्यादा मुंह में ना ले। बहुत बार बच्चों को देखो गैस की प्रॉब्लम होती है या दूध वो ठीक से पी नहीं पाता, क्योंकि उनका ना जब मुंह एकदम छोटा होता है ना तो नाक और मुंह बहुत टच होता है, मतलब एक दूसरे के पास होता है, तो जब वो दूध खींचते हैं ना तो उनके नाक में हवा भी जाता है, मुंह के थ्रू हवा भी जाता है और उसके वजह से नाक तो बंद होती है, मुंह के थ्रू ही उन्होंने हवा ले लिया, अब वो हवा नहीं निकाल पाती तो हवा ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से गैस की दिक्कत भी होती है, बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। इसलिए हमेशा याद रखें जब भी आप उनको दूध पिलाएं तो उनका सर इस तरह हो, ठीक है। नंबर टू, आप बच्चों के दूध पीने के टाइमिंग को डिसाइड नहीं कर सकते, बच्चा वो खुद डिसाइड करेगा। जब भी उसको दूध पीना होगा आप समझ जाओगे, वो क्रैंकी हो जाएगा, थोड़ा बहुत इशारा करना शुरू कर देगा, तब आपको उसको दूध देना है, और जब उसका मन खुद भर जाएगा ना वो खुद छोड़ देगा, ठीक है। तो आपको उसको हटाने की जरूरत नहीं, ना ही आपको टेंशन लेने की जरूरत है। अगर बहुत कभी कई बार होता है कि बच्चा नॉर्मली तो हर एक डेढ़ घंटे में दूध पी रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि तीन चार घंटे के वो दूध ही नहीं पी रहा तो आप परेशान हो लगते हो, ऐसा कुछ होने की जरूरत नहीं, ये ग्रोइंग पीरियड है ना, तो इसमें ये ऊपर नीचे चीजें होती रहेंगी, तो रिलैक्स, बच्चा भूखा नहीं रह सकता, वो खुद आपसे लेगा और खुद पिएगा, जब तक उसको पीना होगा वो पिएगा, तो आपको इस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर आप जब भी आप दूध पिला रहे हो मेक श्योर करो आप दोनों साइड से उसको दूध पिलाओ, साइड पिलाते 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 बच्चे को उस साइड की आदत लग जाती है, क्योंकि बच्चे का भी तो हैबिट हो जाता है ना एक साइड मोड़ करके पीने का, तो उसको इसी साइड की आदत लगी वो इस साइड मोड़ना ही नहीं चाहता, तो उससे क्या होता है कि ब्रेस्ट का साइज जो है वो बड़ा छोटा हो जाता है, आपको ब्रेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है, जो दूसरा ब्रेस्ट होता है ना वो बहुत सूखा ड्राई ड्राई फील होने लगता है, और जो एक ब्रेस्ट जिससे वो ज्यादा पी रहा है ना वो बहुत भारी भारी होने लगता है, उसमें बहुत दर्द भी होना शुरू हो जाता है। तो ये सब अगर आपको अवॉइड करना है और फ्यूचर में ऑफकोर्स आपकी ये ओवरऑल पर्सनैलिटी पर भी इफेक्ट डालेगा, बिकॉज एक बड़ा एक छोटा वो आपको खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा, एंड देन उसके लिए बहुत सारे एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, बहुत उसको करना पड़ेगा, इसलिए बेहतर है कि आप अभी से थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान दो, उनको दोनों मिलाओ। इसका सबसे ईजी तरीका क्या होगा पता है, एक रबर बैंड अपने हाथ में बांध के रखो, अभी इसमें इस साइड से पिलाया उसको तो इसमें बांधा है, फिर इसको खोल के इसमें बांध दो तो आपको याद रहेगा कि हमने एक सिर्फ को इस साइड से पिलाना है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो और ये ही आपको करते रहना है। कब तक पिलाना है, कुछ लोग एक साल तक पिलाते हैं, 6 महीने तक तो आपको डेफिनेटली उसको सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग से रखना है बेबी को, लेकिन उसके बाद कुछ लोग एक साल में छुड़वा देते हैं, कुछ लोग 2 साल तक रखते हैं, मैं शिवन्या को 2 साल तक रखना चाहती हूँ, ठीक है, देखते हैं जब तक वो पी सके, लेकिन 2 साल तक तो मैक्सिमम मैं रखूंगी उसको, ठीक है। तो इस तरह से आप डिसाइड करो, ये टोटली आपके ऊपर है। नेक्स्ट, आपको ध्यान रखना है जब भी आप सो रहे हो बच्चे को दूध पिलाने के बाद, दूध पिलाते वक्त आपको अपने आप को कंफर्टेबल करके सोना है, बैठे बैठे जो दूध पिलाने वाला तरीका होता है ना वो जितना हो सकता है कम करना, क्योंकि उसकी वजह से आपके पीठ में बहुत दर्द होने वाला है, क्योंकि आपको झुकना पड़ता है बच्चे को संभालने के लिए, और अगर आपको फिर भी बैठना ही पड़ रहा है तो मेक श्योर कि आप अपने हाथ के नीचे कोई कुशन या कुछ रखो कि आपको झुकना ना पड़े, आप हाथ और बच्चा ऊपर रख सको, जितना झुकोगे पीठ पीठ में उतना दर्द होगा, ठीक है। रेगुलरली ब्रेस्ट मसाज बहुत जरूरी होता है इस, क्योंकि वो बहुत बार बच्चा खींचते 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 उसको बहुत दर्द होने लगता है, बहुत ज्यादा लूज होने लगता है, तो उसके लिए रेगुलर मसाज करना बहुत जरूरी है। आप नहाते वक्त मसाज कर सकते हो या नॉर्मली डिलीवरी के बाद जब मसाजेस के लिए आया रखी जाती है तो आप उनको भी बोल सकते हो वो भी रेगुलरली मसाज करें आपका, ठीक है। नेक्स्ट, आपको जिस बात का ध्यान रखना है बच्चे और दूध से रिलेटेड वो ये है कि जब भी आप बच्चे को दूध पिलाओ, उस दूध पिलाने के बाद जब बच्चे का दूध पीना हो जाए तब या तो आप मस्त एक ग्लास गर्म पानी या ठंडा पानी या नींबू पानी या जूस या नारियल पानी कुछ भी जरूर से जरूर पियो। जी हाँ, खान पान में मैं एक चीज़ बताना भूल गई, नारियल पानी जितना हो सकता है उतना पीना, वो आपके सेहत के लिए आपके ब्रेस्टमिल्क के लिए दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये था ओवरऑल जितने टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, आई होप आपके क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे, और अगर फिर भी आपके मन में ब्रेस्ट फीडिंग को लेके यानी स्तनपान को लेके कोई भी सवाल है तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड थैंक यू सो मच, आपके बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस मुझे आते रहते हैं, ट्रस्ट मी आपके सारे मैसेजेस पढ़ के आप लोगों के मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो तारीफ हो चाहे वो क्वेश्चंस हो कुछ भी हो, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, लाइक यू गाइज मेरा दिन बना देते हो आप लोग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉम्स डायरी, कीप वॉचिंग मॉम्स डायरी, और हाँ आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।